हाय गाइस, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि कुछ दिनों से डिवाइन फेमिनिन, कुछ दिनों या कहें कि करीब कुछ महीनों से, एक दो महीने से, खासकर 15 दिन से तो ज़्यादा ही ज़्यादा, डिवाइन फेमिनिन बहुत ज़्यादा ड्रेन फील कर रही हैं। जैसे लग रहा है कि उन पे किसी ने ब्लैक मैजिक कर दिया हो। सच में उन पे ब्लैक मैजिक किया गया है, एक तरफ से नहीं, कई एक लोग हैं जो लोग उन्हें नहीं पसंद करते हैं, उन लोगों ने उन पे ब्लैक मैजिक किया है। और हमारी डिवाइन फेमिनिन तो ऐसी होती हैं कि उनको नज़र भी बहुत जल्दी लग जाती है। कोई अगर एक बार बोल दे कि हाँ भाई आप अच्छे लग रहे हो, तो उन्हें नज़र लग जाती है बहुत जल्दी, वो बीमार पड़ जाती हैं। लेकिन उनके अंदर जल्दी ठीक होने की एक क्षमता होती है, एक हीलिंग एनर्जी होती है। वो शुरू से ही, बचपन से ही उनके अंदर एक ऐसी क्षमता होती है कि वो चीज़ों को बहुत जल्दी समझ लेती हैं कि मेरे साथ कब क्या हो रहा है। उनमें आभास होता है, उन्हें आभास की शक्ति होती है कि उनको आभास हो जाता है कि कहीं कुछ बुरा होने वाला है, कहीं कुछ अजीब सा हो रहा है, तो उन्हें पता चल जाता है। तो यही है कि कुछ दिनों से डिवाइन फेमिनिन बहुत ड्रेन फील कर रही हैं। कभी वो ठीक रह रही तो कभी बीमार पड़ जाती हैं, ज़्यादातर वो बीमार पड़ जा रही हैं। और ये उनको खासकर किसके पूर्णिमा और अमावस्या के आसपास ये ज़्यादा परेशानी बढ़ रही है। कुछ कुछ डिवाइन फेमिनिन को ये समस्या केवल रात के रात हो रही होगी, जैसे ही शाम गहराता होगा उसके बाद उन्हें कुछ समस्या होने लगी होगी। कुछ लोगों को मतलब शरीर के किसी एक साइड में सुन्नपन या फिर छोटा लकवा टाइप का आना, या फिर हल्का हल्का फीवर, कभी गले में दर्द, और इस तरह से हो रहा होगा। कुछ तो ब्लैक मैजिक का असर है, कुछ चक्रास जो अनबैलेंस हैं उनके वजह से हो रहा है। तो डिवाइन फेमिनिन को मेरी यही सलाह है कि प्लीज़ आप अपने ऊपर ध्यान दें। आप, ये भी मुझे पता है कि अब हमारी डिवाइन फेमिनिन डिवाइन मैस्कुलिन से बिल्कुल डिट्रैच्ड हैं। अभी बहुत कम लोगों की बातचीत हुई है, बहुत कम लोग का रियूनियन हुआ है, और बहुत लोग ऐसे हैं कि अभी रियूनियन के कगार पे हैं। और लेकिन ज़्यादातर डीएम अभी कोई फैसला लेने की स्थिति में नहीं है, वो बिल्कुल नॉर्मल हैं, अपनी लाइफ नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। मिसिंग एनर्जी है लेकिन नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। बात करने की इच्छा हो रही है लेकिन उनको फ़िलहाल ये लग रहा है कि पहले मैं ही बात क्यों करूँ, ईगो हावी है। और ईगो अच्छी बात तो है नहीं, लेकिन हाँ ईगो हावी है। और डिवाइन फेमिनिन से मैं यही कहूँगी, खुद को हील कीजिए, थोड़ी रेकी की प्रैक्टिस कीजिए अगर आप रेकी जानते हैं तो, नहीं तो ध्यान मेडिटेशन कीजिए और महिषासुर मर्दिनी सुनिए, फिर रेड तारा मंत्र का जाप कर सकते हैं, या आप वीडियो, बहुत सारे वीडियोस आते हैं यूट्यूब पे, आप उसको सुन सकते हैं। इस प्रकार से आप अपने अंदर खुद को हील कर सकते हैं। अब जब आप हील रहेंगी तो आपके डीएम भी हील रहेंगे, तो मुझे लगता है कि आप अपनी एनर्जी को संभाल सकती हैं। और मेरा मानना है कि बीच बीच में आप अपनी नज़र भी उतारा करें, क्योंकि आपको नज़र बहुत जल्दी लगती है, क्योंकि आपसे जलने वाले आपके आसपास बहुत हैं। मुझे लगता है कि कुछ डिवाइन फेमिनिन ज़्यादातर मान के चले तो कि जॉब में भी होंगी, जो उनके आसपास के लोग होंगे जो उनसे बहुत ज़्यादा जलते हैं, जो कंपटीशन में उनके आसपास बहुत ज़्यादा रहते होंगे, जो उनके जैसे बनने की कोशिश करते होंगे और बन नहीं पाते होंगे, तो उनके ऊपर ब्लैक मैजिक का प्रयोग करते होंगे। तो ऐसे लोग से बच के रहें, ऐसे लोगों को पहचानें। इसके लिए मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेडिटेशन से ही आपको पता चलेगा कि कौन लोग हैं जो आपको इस तरह से ड्रेन करवाते हैं और बुरी तरह से आपको बीमार करने पे पड़े हुए हैं। तो इसको ध्यान दें और डिवाइन फेमिनिन कृपया मेडिटेशन करें।